चलिए देखते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर का अब अप्रैल मंथ का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दुनिया में किस दूसरे देश द्वारा अपने बॉर्डर रोडेज का एटलस तैयार किया जा रहा है। तो किस दूसरे देश का, तो भारत का, इससे पहले अमेरिका का। यह भारत में यह काम बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया वाटर वोडिज का एटलस मानचित्र। करा अपने वाटर वोडिज का एटलस तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। दूसरा देखते हैं, उत्तर भारत के पहले और देश के किस नौवें मंदिर को भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र मिला। तो ये मिला हनुमान मंदिर पटना को, हनुमान मंदिर पटना के नैवेद्यम को यह प्रमाण पत्र दिया गया। आगे देखते हैं पुरुष हॉकी, अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है। अमेरिका का कोच पुरुष हॉकी का, तो हरेन सिंह छपरा से। 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजे गए हरेंद्र सिंह 2018-17 तक सीनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। और इधर 2020 में, ठीक है, 2021 में ये हॉकी पुरुष हॉकी अमेरिका के कोच बने हैं। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस अध्यक्ष को दिया गया है। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के किस अध्यक्ष को दिया गया है, तो डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है। तो ये कुर्था थाना अरवल को चुना गया सर्वश्रेष्ठ थाना, ये सब जरूर याद होना चाहिए। 2019 में नालंदा का राजगीर थाना को सर्वश्रेष्ठ चुना गया था। 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना मणिपुर के नागपोंग सिमकई थाना को चुना गया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्र के सहयोग से राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के विभिन्न राज्यों में 42 मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। देश के सबसे बड़े 212 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा, औरंगाबाद से दरभंगा तक। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगा। यह बिहार राज्य का पहला एक्सप्रेसवे होगा। आठवां नंबर, देश के किस मशहूर आलिम ए दीन ऑफ एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव का निधन हाल ही में हो गया। तो देश के किस मशहूर आलिम ए दीन एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव का निधन हाल ही में हो गया, मौलाना बली रहमानी। ये रहमानी 30 के संस्थापक थे। चलिए इस पे हम टिकअप नहीं करते, क्वेश्चन नंबर पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डार्क करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चन बहुत है। बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी, नौवां नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिहार के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल टीम में कौन शामिल किए गए। तो नाम है हर्ष विक्रम सिंह, जमुई से हैं। पटना के ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन वह रणजी में झारखंड की तरफ से खेलते हैं ईशान किशन। ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये होगा आंसर श्रेयसी सिंह। 3 सदस्य भारतीय ट्रैप टीम में श्रेयसी सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर थी। श्रेयसी सिंह जमुई से BJP विधायक हैं। अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो आंसर होगा बिहार। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ द्वारा इसे तैयार किया गया है। ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। इस ई लाइब्रेरी में बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में है। तो इस तरह से आपका जो भी फॉर्मेटिंग होगा बुक में ना, वो अपडेटिंग रहेगा आपका, क्या होगा, CBSE जैसा यदि अपडेट करता है तो बेहतर है, क्योंकि CBSE में जब भी कुछ अपडेट होता है तो तुरंत आपको मिल पाता है। और बिहार बोर्ड के बुक के हालत क्या होता था, 10 साल पुराना पढ़ते रहते थे।
और उसी से क्वेश्चन आना होता था, उस वक्त का कोई करंट टॉपिक होता था तो वही याद होना होता था। तो ये सुधार होती है तो अच्छी बात है। चलिए, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो अब्दुल वारिस सिद्दीकी। संघ के सचिव बने के एन जसवाल। चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 2027 किस विषय पर केंद्रित होगा? तो मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली से रिलेटेड होगा। तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2022 तक जो था, 22 तक अभी वायस आना बाकी है, जैविक खेती को बढ़ावा देने और अन्य विषय पर केंद्रित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अभी होगा क्योंकि आप तो 2021 में ही हैं। तो जैविक खेती के बढ़ावा के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बिहार का 2017 से 2022, 2022 से 2027 मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली। बिहार के हर जिले में किस मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं? तो चनपटिया मॉडल, पश्चिमी चंपारण। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार में किस अनाज की खरीद की व्यवस्था की गई है? मसूर और चना दाल। तो बिहार में किस अनाज की खरीद की व्यवस्था की गई? तो मसूर और चना दाल। गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सबसे पहले किस वर्ष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी? तो 2006 में। आइए देखते हैं बिहार के किस एकमात्र जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो ये नालंदा। राज्य के किन पंचायती समितियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? तो अकोढ़ी गोल रोहतास, इमामगंज गया, गया सदर गया और कुटुंबा औरंगाबाद। आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्य के किन ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है? तो सब बैत, नालंदा, असरहा, दरभंगा, मोहनपुर, समस्तीपुर और औरांव गया। नालंदा के कोसियावा ग्राम पंचायत को वाल हितेशी चाइल्ड फ्रेंडली का ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। सीतामढ़ी के वघाड़ी ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। रोहतास के अकोड़ी गोला विसैनी कला ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेपाल के अरुणा पन बिजली घर से तैयार बिजली बिहार के किस जिले से होकर देश में प्रवेश करेगा? तो नेपाल के अरुणा, ये पूछा जाता है, अरुणा पन बिजली घर से तैयार बिजली बिहार के किस जिले से होकर देश में प्रवेश करेगा? तो सीतामढ़ी से होकर। जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोधगया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले किस प्रख्यात समाजसेवी का निधन हाल ही में हो गया? तो द्वारिको सुंद रानी। आइए देखते हैं 22वां, लगातार छठी बार निर्विरोध राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो अंजनी कुमार सिंह। राज्य कबड्डी संघ के सचिव जो बने कुमार विजय। और ध्यान रहना चाहिए ये सब तो 5 साल का लगभग रहता है कार्यकाल, लेकिन कभी कभी ये पहले भी हट जाते हैं, तो ये एग्जाम वक्त आप इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सात निश्चय पार्ट टू, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत जन्मत हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये बाल हृदय योजना ने सात निश्चय दो के तहत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के लिए बाल हृदय योजना। सात निश्चय पार्ट टू में क्या क्या है ये देखिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, चौथा जो है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहां खोला जा रहा है? तो पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहां खोला जा रहा है वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए? तो मधुबनी में। राज्य में जलकरों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासन काल में बने किस एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के साथ करनी है? 1935 एक्ट। बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट के तहत बिहार के किस एक सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं? तो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक NH-80 होगा ये, और NH से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जरूरी नहीं कि पूछा ही जाएगा लेकिन पूछे जाते रहे हैं।
बिहार, पूर्वी बिहार को पश्चिम बंगाल और झारखंड से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सड़क है। राज्य में 15 साल से ऊपर के प्रौढ़ छात्रों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित किस अभियान को शुरू किया जा रहा है? तो पढ़ना लिखना। बिहार में 50 करोड़ की लागत से कहाँ, 28 नंबर क्वेश्चन, कहाँ सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोकामा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा किस नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ये कोसी। अंतर्राष्ट्रीय सुप्पी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गया में। हाल ही में बिहार के 7 जिले द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर किस देश के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो अमेरिका। बिहार के इन 7 जिलों में पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पूर्व विश्व में सबसे ज़्यादा 48 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का का उत्पादन का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम था। मक्का के उत्पादन में देश का यदि पहला स्थान है तो वो तमिलनाडु का है और दूसरा बिहार का है। ठीक है, तो कृषि से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू किया गया? तो ये पटना। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल जिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है उसे ट्रांस इंस्ट्रीकरण कहा जाता है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाड़ा से आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। और ये हमारा हो गया उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी जो पटना में स्थापित हुआ। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार के साथ साथ किस पड़ोसी राज्य को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल को। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्यों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर जलवायु जोखिम का सर्वाधिक खतरा है। 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सर्वे कर मैपिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो स्वामित्व योजना। क्या है? 24 अप्रैल 2021 को बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे कर, ठीक है, मैपिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो स्वामित्व योजना। यह योजना केंद्र द्वारा साल 2020 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में शुरू किया गया था। बिहार के किस जिले में खुल रहे खादी मॉल का थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? तो ये गया। ठीक है, तो कुछ क्लू होना चाहिए कि बिहार के किस जिला में खुल रहे खादी मॉल का थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? तो गया रिलेटेड है बुद्धिज्म टूरिस्ट से, इसलिए वहाँ पे आप याद रखेंगे, ये याद रह जाएगा गया। पूर्णिया में खुल रहे खादी मॉल का थीम गांधीज पर फोकस है, तो ध्यान देना है गया वाला बुद्धिज्म पे है और पूर्णिया का गांधीज्म पे फोकस है। पटना में पराली और भूसी से इको फ्रेंडली कोविड अस्पताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो श्रीति पांडे। मशहूर अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने युवा वैज्ञानिक श्रीति पांडे को 2021 में एशिया के सर्वश्रेष्ठ 30 युवा वैज्ञानिकों में शामिल किया है। आइए देखते हैं सीबीआई के किस पूर्व डायरेक्टर का निधन हाल ही में हो गया? तो रंजीत सिन्हा, सिवान निवासी। ठीक है, सीबीआई के किस पूर्व डायरेक्टर का निधन हाल ही में हो गया? तो रंजीत सिन्हा, सिवान निवासी। 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाले किस व्यक्ति का निधन हाल ही में हो गया? 72 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाला निधन हो गया, चलिए, मेवालाल चौधरी। बिहार विधान परिषद के किस पूर्व सभापति और महान शिक्षाविद का निधन हाल ही में हो गया? प्रोफेसर अरुण कुमार। वीर कुमार सिंह जयंती कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल। वित्त वर्ष 2020-21 में देश में सबसे अधिक सड़क बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ बिहार में। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में 647 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। 1961 42 नंबर में 1961 में पूरे देश में प्रतिबंधित किस फसल को हाल ही में राज्य
में मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है तो खेसारी, ये प्रतिबंधित हो गया था। खेसारी में लकवा वाली बीमारी के तत्व पाए जाने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 फरवरी 1961 को इसकी बिक्री एवं संग्रह पर अनबा अपमिश्रण कानून 1955 के तहत प्रतिबंध लगाने की सलाह सरकार एवं के 38 प्रदेश को दी। बिहार राज्य में वर्ष 2003 से खेसारी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसको फिर से शुरू किया गया है। ये देखते हैं पीएम केयर फंड के तहत बिहार के कितने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाएगी, तो ये अप्रैल का है। बिहार के इन 15 जिले पटना, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और वैशाली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम केयर फंड के तहत देश भर में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे। तो उस वक्त की ये कहानी है। राज्य वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा कितने जिले में स्थित 26 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, तो ये राज्य वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा कितने जिले में स्थित, कावड़ ताली हिंदी में बोलते हैं वेटलैंड भूमि को, तो 26 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। तो ये करा राज्य वेटलैंड अथॉरिटी द्वारा कितने जिले में, तो 12 जिले में। बिहार के इन 12 जिलों में बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण में स्थित वेटलैंड का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। वेटलैंड के प्रबंधन और अपने पुराने स्वरूप में लौटाने का यह काम मुख्यमंत्री की बहुचर्चित जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है। IPL इतिहास में पहले ओवर में 6 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो पृथ्वी शॉ। हाल ही में साहित्य के कोहिनूर कहे जाने वाले किस साहित्यकार का निधन हो गया, साहित्य के कोहिनूर कहलाते हैं, डॉक्टर हरिशंकर श्रीवास्तव सल्लभ। इनकी एक पुस्तक अंगलिपि का इतिहास साहित्य में मील का पत्थर है, जो आज भी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगिका स्नातकोत्तर वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया, तो दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किस प्रख्यात साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया, तो कुमार नयन। हाल ही में बिहार के किस मुख्य सचिव का निधन हो गया, तरुण कुमार सिंह। आइए देखते हैं बिहार के मुख्य सचिव किन्हीं नियुक्त किया गया, त्रिपुरारी शरण। बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना लाख टन रखा है, तो 7। बिहार सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन गेहूं खरीद की 7 लाख टन। तो ये हो गया आपका अप्रैल माह। तो चलिए इसी में मई भी देख लेते हैं। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रोफेशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो ये क्या है, देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य बिहार बना। नई नीति में प्लांट स्थापना के क्रम में ऑक्सीजन प्लांट एवं मशीनरी लगाने को अधिकतम 30% सब्सिडी दिया जाएगा। कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक की होगी। भारतीय रेलवे के बड़े बेड़े में मधेपुरा निर्मित किस 100वें 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को शामिल किया गया है, तो वैग WAG 12V या 12V। लोको का नाम वैग 12V है, जिसकी संख्या 60,100 है। मेक इन इंडिया पहल के तहत यह लोकोमोटिव इंजन ऑल स्टॉम प्लांट्स और भारतीय रेलवे द्वारा साथ मिलकर बिहार के मधेपुरा में 800 इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री प्राप्त किस रक्षा वैज्ञानिक का निधन हाल ही में हो गया, तो डॉक्टर मानस बिहारी का। चौथा है बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने, तो नवीन वर्मा। पांचवा है किसे एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर विद क्वालिटी एश्योरेंस के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मित्तल टेक स्टील एवं सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 2018 में स्थापित कंपनी को यह पुरस्कार सीमेंट एवं स्टील के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। आइए देखते हैं छठा क्या कह रहा है। हाल ही में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये खगड़िया में। राज्य के दूसरे मेगा फूड पार्क को केंद्र द्वारा मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनने की मंजूरी हाल ही में मिली है। देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य है, जिसमें अभी कुल 22 मेगा फूड पार्क कार्यरत है। रेलवे में पहली बार
पूर्व मध्य रेल जून द्वारा किस वाहन के माध्यम से रेलकर्मियों को कोविड टीका उपलब्ध कराया जाएगा? तो गड़ूर। गड़ूर एक विशेष डीजल चालित सेल्फ प्रोपेल्ड इंस्पेक्शन कैरेज वाहन है जो अक्सर निरीक्षण के काम में उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत बख्तियारपुर से की जाएगी। आइए देखते हैं, रेलवे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों एवं मेडिकल स्टाफ को सुविधा प्रदान करने के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये स्पर्श है। हाल ही में किस जिला में 13वीं सदी का ग्रेनाइट पत्थर से बना हरिहर का मूर्ति मिला? तो दरभंगा। प्रथम कारवा पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम कुमार सत्यार्थी। राज्य सरकार द्वारा हर घर पर आइसोलेशन में रहे कोविड 19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप, हिट होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। इस ऐप को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई। यह ऐप स्वास्थ्य विभाग बिहार और बेल्ट्रोन के सहयोग से बनाया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? नेचर सिक्योर्स यू। ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा घर के अंदर लगाना, छोटा छोटा मिनी प्लांट। बिहार के किस व्यक्ति को ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है? तो पंकज कुमार ज्योति। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग बिहार द्वारा डिजिटल रूप से शुरू किए गए देश के पहले ई लाइब्रेरी का नाम दिया गया, तो ई लोटस, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं, हाल ही में काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिलीप कुमार को। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। हाल ही में काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त को गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया? दिलीप कुमार। हाल ही में कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो अशोक कुमार प्रजापति को, मंगेतर का मोबाइल। बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो कटिहार में। फसल अवशेष प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए देश भर में कृषि से जुड़ी गतिविधियों और सरकार की कृषि संबंधी पॉलिसी पर नज़र रखने वाली मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे द्वारा किस जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो रोहतास। पद्मश्री से सम्मानित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के किस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हाल ही में हो गया? तो डॉक्टर के अग्रवाल। बिहार और केरल के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हाल ही में हो गया? तो रघुनंदन लाल हाटिया। आइए देख लेते हैं और भी, बिहार स्टेट वार काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? रमाकांत शर्मा। CBI के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल। ये आप अपडेट करते रहिएगा, अप्रैल है, इतनी जल्दी नहीं बदलता, लेकिन किसी कारण से कोई कोई पुष्ट बदलते हैं। कृषि हैकाथन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। यह कृषि क्षेत्र में संवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है। पहली बार राज्य के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? क्या पहली बार राज्य के किस उत्पाद को निर्यात करने के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? शाही लीची। इसी के साथ राज्य में पहली बार फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देने की सुविधा भी शुरू की गई है। किसी भी कृषि उत्पाद के विदेश निर्यात के लिए सर्टिफिकेट जरूरी होता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। शाही लीची राज्य का चौथा कृषि उत्पाद है जिसे GI टैग 2018 में मिला था। इससे पहले जर्दालू, आम, कतरनी चावल, मगही, पान को कृषि उत्पाद के लिए GI टैग मिला था। राज्य में कब से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? 16 जून 2021 से। अभी राज्य में मात्र 12 जिलों में 7 हॉल मार्किंग केंद्र है। तो राज्य में कब से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता होगा? तो 16 जून 2021, है ना, तो ये पार हो गया है। जिनमें से 12 पटना में कार्यरत है, इसके अतिरिक्त 11 जिलों में, दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नवादा, रोहतास, भागलपुर, बक्सर, छपरा, आरा, नालंदा में हॉल मार्किंग केंद्र है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना? तो 12वां।
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल सहायता योजना। इस योजना के तहत वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई या जिनमें से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई, उनको राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष के होने तक 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो बिहार में 1500 रुपया और गुजरात में शायद 2000 दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चे को राज्य में पहले से चल रहे परवरिश योजना से भी उन्हें जोड़ा जाएगा। बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज करने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो बिहार पथ संधारण। आइए देखते हैं बेन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के किस संस्थापक कुलपति सह राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सांसद का निधन हाल ही में हो गया? तो प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव रवि। हाल ही में कहाँ गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? तो ये आपको हिस्ट्री में पूछ सकता है। हाल ही में कहाँ गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? तो मधुबनी। तो अब रह गया आपका मई तक, तो हो गया जून जुलाई, अब देखते हैं।